नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। मणिपुर की दो महिलाओं को 4 मई को नग्न अवस्था में घुमाते हुए और भीड़ द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने का भयानक वीडियो वायरल होने के 24 घंटों के भीतर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से ही शामिल कुछ लोगों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह अभी तक वीडियो में 1 दर्जन से अधिक लोगों की पहचान कर चुके हैं। वायरल वीडियो में दो महिलाओं के खिलाफ कृत्य को मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए और सभी विधायकों को और से इस भयावह अपराध की कड़ी निंदा करते हुए बीरेन ने कहा है कि राज्य सरकार इस जघन्य अपराध पर चुप नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि गहन जांच जारी है और दोषियों को मृत्युदंड दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के विषय पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित हुई थी। इसी बीच शक्तिशाली कुकी जनजाति संगठन आदिवासी एकता समिति या COTO ने बृहस्पतिवार शाम से कांगपोकपी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और यह आज भी जारी रहेगा। COTO ने बीरेन सिंह सरकार को सभी दोषियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का समय सीमा दी है, अन्यथा वे आंदोलन की ओर आगे बढ़ाएंगे। राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर मेहती समुदाय द्वारा पहाड़ी जिलों में 3 मई को आयोजित ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च वाले दिन मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क गई थी और अभी तक इनमें 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में मेहती समुदाय की आबादी करीबन 53% है और वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं।